है, ये मेरा फाइनल थीसिस है जो मैंने प्रेजेंट किया है, ये ASF पे मैंने किया है। ASF स्टैंड्स फॉर एसिड सर्वाइवर फाउंडेशन, जिसमें वो ख़वातीन का इलाज किया जाता है या उनकी सर्जरीज की जाती हैं जो बिल्कुल टोटली डैमेज हो जाती हैं, जिन पे कोई एसिड वगैरह फेंक देता है या कोई केरोसिन ऑयल से जला देता है, और वो बिल्कुल टोटली उनकी लाइफ जो है वो लॉस्ट हो जाती है। सबसे पहले जो ख़वातीन को जो प्रॉब्लम आती है वो इन चार इश्यूज़ में आती है, जिनको मैं पर्सनली मिली हूँ और उन्होंने मुझे बताया है कि जैसे वो सोसाइटी में इजीली मूव नहीं कर सकती, वो वेल करती हैं, और कितने भी लोग, इवन मैं उन लड़कियों से मिली हूँ तो हम लोग एक रूम में बैठे थे जिसमें 6 ख़वातीन थी, उन 6 ख़वातीन की मौजूदगी में भी उसने अपना वेल, अपना नकाब जो है वो उतारा नहीं था। इसमें दूसरा एक ये इशू है कि जैसे हम लड़कियां बैठती हैं और सबसे पहले अगर हमारे वॉलेट में भी पर्स में भी एक शीशा होता है जिसको हम बेसिकली अपने पास ज़रूर रखते हैं कि हम देखेंगे, बार बार देखते हैं, तो ये लड़की अपने बैग में शीशा नहीं रख सकती या वैसे भी अपने रूम में या किसी भी जगह पे ये शीशा नहीं देखना चाहती। तो मैं इसमें ये दिखाना चाह रही हूँ कि उसने अपने शीशे पे अपना पुराना एक पोर्ट्रेट टेप से पेस्ट किया है, और ये मैं उसका शक्ल दिखा रही हूँ यहाँ से कि वो जली हुई है, और ये कि वो शीशे में देख रही है लेकिन अपनी पुरानी तस्वीर को देख रही है, वो अपने करंट फेस को नहीं देखना चाहती, देख नहीं सकती। बिल्कुल होपलेस हो जाती हैं ये लड़कियाँ, इनकी शादियाँ नहीं होती हैं, लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं एज अ वाइफ, इवन के अपने घर में भी देखना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं ये दिखा रही हूँ इसमें उसका डिप्रेशन दिखा रही हूँ कि वो इतनी डिप्रेस है कि वो दुल्हन नहीं बन सकती। इन लड़कियों के कमरे में एक डिप्रेशन आ जाता है, हम लोग अपने कमरे में जो शीशा लगाते हैं उसको कभी भी कवर नहीं करते क्योंकि हम चाहते हैं हम आते जाते उस शीशे को देखें। तो मैंने इसमें ये दिखाया कि ये एक डस्टी सा कमरा है बिल्कुल, और उसमें डस्टी सा एक ड्रेसिंग टेबल पड़ा है और उसको कवर किया हुआ है सिर्फ इसलिए कि वो लड़की शीशा नहीं देखना चाहती। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है जिसमें कुछ वीडियोस जो हैं वो मैंने खुद शूट की हैं और कुछ मैंने तस्वीर जो हैं इन ख़वातीन की वो इकट्ठी की हैं डिफरेंट जगहों से। कुछ मैं पर्सनली 2-3 लड़कियों से मिली हूँ जिनके पोर्ट्रेट्स और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की तस्वीरें मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में लगाई हैं, और इसमें एक लड़की है बुशरा जिसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी जिसकी वीडियो मैंने इनके ऑर्गेनाइजेशन से ली, ये मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया है अपनी कैंपेन के अकॉर्डिंग। This is why for many victims of acid throwing violence in Pakistan, men and women, even the children are also targeted by this brutal crime. मैं 12 साल की थी, उन लोगों ने रिश्ता मांगा तो वो गैर थे, हमारे अपने नहीं थे। मेरी अम्मी और मेरे अबू ने इनकार कर दिया तो उसने कहा कि हम मुझे भी नहीं देते तो मैं दूसरों के लिए भी नहीं रखूंगा इसे। रात को सोए हुए थे ना, उसने आकर तेजाब फेंक दिया, वो ऐसा था कि मैं जब चार पैसे उठ कर बैठी तो मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मेरा मुंह सूज गया, ऐसे लगता था कि ये मैं अभी मर जाऊंगी। किसी की शादी हो तो मैं किसी के घर भी नहीं जाती, घर में बैठी रहती हूँ, खासतौर पे किसी के घर भी नहीं जाती, वैसे भी नहीं जाती। और बुशरा गेव अप लाइक सो मेनी अदर वुमेन, बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस एसिड which gives a living death to people. ye tezab band karwaya band karwa de ya to jo tezab phenkta hai sharam usse sazae maut ho jaye to phir ye baki wale log dekhenge un logon ko pata chalega ke aisa hota hai koi nahi phenkega. Acid throwing is a particularly vicious and damaging form of violence wherein acid is thrown on human bodies, especially on women faces. It has catastrophic effects to the human body, causing the skin tissues to melt,
often exposing the burn below the flesh and sometimes even dissolving the burn. Acid coagulates the protein from the affected part, and that part gets dead. मेरी तो जिंदगी तो पाओगे लेकिन दूसरी मेरी माँ बहनों की मैं कहती हूँ कि ना हो। सेगम एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ एमएफए ग्राफिक डिजाइन। Well, the topic which I have covered is nationwide awareness in peace, and I presented it by showing victims of blasts, suicide attacks, and by local people of our country. Well, जैसा कि हम जानते हैं that the current situation of our country is really bad, and over the last few years and months we have seen a lot of suicide attacks, violence, bomb blast, firing. So basically, the message which I try to convey to the people of our nation is that if we forget about our past and think only about the present and future of our country, we can change the situation of our country. We should get united to change the situation of our country, and nothing is impossible. This is what I believe, and if we get united, we can bring this peace thing in our life, and we should give peace a chance. स्पेन बार आइसक्रीम पार्लर पे, और जिसमें मैंने पोस्टर्स हैं मेरे, शॉप बोर्ड है, और डिफरेंट और भी वैरायटीज़ हैं मेरी काम है. और मैंने इसमें बेसिकली अपने टेक्सचर्स के साथ प्ले किया है, डिफरेंट डेकोरेशंस के साथ प्ले किया है. मेरे हर पोस्टर में डिफरेंट फ्लेवर्स आ रहे हैं. बेसिकली मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो है टेम्पटेशन, और जितने भी मतलब लोग देखने आए हैं उनको बहुत अच्छा लगा है, और टेम्पटिंग ये चीज़ लगी है. ये जो थीसिस होता है ये 3 माह पे मुहित होता है. 3 माह स्टूडेंट्स अपने काम में रिसर्च करते हैं, बाहर जाते हैं, उस पर गौर व फिक्र करते हैं, और फिर उसके हवाले से अपना काम जो है उसको निभाते हैं. ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी आपने देखा है कि बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हमारे स्टूडेंट्स ने अपना काम किया है और उसको डिस्प्ले किया है. अक्सर यही होता है कि यहीं से उनको कोई ना कोई एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी या कोई और ऐसे इदारे उनको यहीं से पिक कर लेते हैं, और फिर उनको नौकरियां मिल जाती हैं. ये अमल जो है ये एक स्टूडेंट की लाइफ में ये उसका एक सबसे एक क्लाइमैक्स होता है, उसकी पढ़ाई का जो पीरियड आप कह लें, एमएफए का थीसिस, दैट इज़ द क्लाइमैक्स ऑफ अ स्टूडेंट्स यू नो एकेडमिक करियर जिसे कहते हैं. उसके बाद वो चाहे पढ़ना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैसे टर्मिनल डिग्री ये होती है. तो इसमें ये एक तरह से पहला कदम होता है, चाहे वो डिज़ाइनर्स हों, चाहे पेंटर्स हों, चाहे स्कल्प्टर्स हों, चाहे इलस्ट्रेटर्स हों. तो मैं ये समझती हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी ने उनको बहुत अच्छी तरह से उनकी एक ट्रेनिंग कर दी है, और वो मेरे ख़्याल में कि वो अब बाहर जाके उनको किसी दुश्वारी का सामना नहीं पेश आएगा, क्योंकि वो दे आर वेल इक्विप्ड, वो अच्छी तरह अपने काम को समझते हैं और बहुत अच्छी तरह ट्रेंड हैं.